मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों कि हम पीपीसी को यूज करके हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटे, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड वन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, और थर्ड थी स्टूडेंट हमारी फोर हुम टू प्रोड्यूस। अब हम अपनी इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट किस तरह से यूजिंग पीपीसी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पीपीसी को यूज करने के बाद किस तरह से हम अपने इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स यही है आज का कि यूजिंग पीपीसी वी कैन सॉल्व आवर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। हम लोग पीपीसी का यूज करके हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को इजिली कॉम्बैट कर सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है स्टूडेंट, क्या उत्पादन किया जाए। अब देखो बेटे, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमोडिटी, एक्स एंड वाई। ओके, अब आपको बताया है बेटे, यहाँ पर हम लोग रिसोर्सिस का एलोकेशन करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। क्योंकि देखो बेटे, मोर ऑफ गुड एक्स, अगर हम लोग क्या करेंगे, मोर ऑफ गुड एक्स, अगर हम एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे देन लेस ऑफ प्रोडक्शन वाई। तो हमें उसी टाइम पर प्रोडक्शन वाई का, जो हमारी कमोडिटी वाई है उसका प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हमारी पीपीसी की तीन अजम्पशंस थी। वो तीन अजम्पशंस कौन कौन सी थी, फर्स्ट रिसोर्सिस आर गिवन, हमें रिसोर्सिस गिवन है। सेकंड थी, जो हमारे पास रिसोर्सिस हैं वो क्या हो रहे हैं, फुल्ली एंड एफिशियंटली यूटिलाइज। जितने भी हमारे पास रिसोर्सिस हैं हम उनका बहुत अच्छे तरीके से फुल्ली और एफिशिएंटली क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। थर्ड, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहेगी यहां पर, कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो अब देखो बेटे ये तीनों बातें हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ना बेटे, वो एक बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है बच्चों, तो इस केस के अंदर अगर हम लोग एक्स वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना बच्चों, तो हमें वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पहले से कम करना पड़ेगा। अब देखो बेटे, अगर मैं बात करती हूँ, पहले हम लोग एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन करें स्टूडेंट ओ एल, पहले हम लोग एक्स का प्रोडक्शन कितना कर रहे थे स्टूडेंट ओ एल। ओके, और हम लोग वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे थे स्टूडेंट ओ एन। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटे मैं तुम्हें पहले ही बताया कि हमारे पास जो रिसोर्सिस हैं, एक का प्रोडक्शन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सेम टाइम पे दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बेटे, अगर हम लोग एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो कैसे, पहले हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे ओ एन, ठीक है, पहले हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, देखो बेटे पहले हम प्रोडक्शन कर रहे थे ओ एन, अब हमने प्रोडक्शन को बेसिकली पहले से क्या कर दिया स्टूडेंट, डिक्रीज कर दिया, कितना कर दिया ओ एम कर दिया। तो यहां पर बच्चों हमारा जो बेसिकली वाई कमोडिटी ये है स्टूडेंट, यहां पर हम लोग वाई कमोडिटी को शो कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज होकर ओ एन से कितना हो गया स्टूडेंट ओ एम हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बेटा पहले हम लोग एक्स कमोडिटी का कर रहे थे ओ एल, वो इंक्रीज होकर अब क्या हो गया स्टूडेंट ओ क्यू हो गया। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक्स वस्तु के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो एट द सेम टाइम वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी, बिकॉज द बेसिक अजम्पशन ऑफ पीपीसी आर रिसोर्सिस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ओके, देन कम टू अवर सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट हमारी, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। यू ऑल नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकेंड है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो बेटे अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो बेटे होता क्या है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करने से बेसिकली क्या होगा बच्चों हमारे पास कि हम लोग ज्यादातर लेबर का यूज करेंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, लेबर इंटेंसिव का इसका इफेक्ट क्या होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमें रोजगार के अवसर क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, ज्यादा मिलेंगे, मोर एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर हम लोग स्टूडेंट कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करने के कारण स्टूडेंट क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा लेकिन उसके कारण क्या होगा, उसके कारण अपॉर्चुनिटीज। अगर हम बात करते हैं बच्चों इंडिया जैसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, जहां पर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत अधिक बच्चों क्या है, बेरोजगारी है, तो इस बेरोजगारी को रिकवर करने के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करना चाहते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब यहां पर बच्चों कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव क्या है, यूजिंग मोर एंड मोर मॉडर्न इनपुट फॉर द प्रोडक्शन, हम लोग नई नई मशीनों का क्या करें, यूज करें प्रोडक्शन करने के लिए। तो देखो बेटे अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो लोगों को क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर बच्चों हम लोग कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो क्या होता है बच्चों, लेबर की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो अब हम अगर हम कन्वेंशनल, इसी को बेटे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम है स्टूडेंट कन्वेंशनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वेंशनल टेक्निक, क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, कन्वेंशनल टेक्निक यानी कि परंपरागत तरीका, और इसको बेटे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट मॉडर्न, क्या बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक। ये तो है हमारी कन्वेंशनल स्टूडेंट, दूसरी है बच्चों हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का नाम क्या है मॉडर्न। तो देखो बेटे हम पीपीसी के इस पे ए बी पॉइंट पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग बच्चों कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग बेटे अच्छे ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्निक का यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं, तो हमारा जो पीपीसी है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से जब शिफ्ट हो जाएगा, एबीसी कहां शिफ्ट हो गया, सीडी, तो बच्चों ये सीडी क्या शो कर रहा है यहां पर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दिस शोज यूज ऑफ मोर एंड मोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो बेटे अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करते हुए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से यानी कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो नो डाउट हमारा पीपीसी कर्व भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और इसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन है वो पहले से बढ़ जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड टेक्निक जो हमारी, अब थर्ड जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट वो है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। तो देखो बेटे ये जो प्रॉब्लम है दैट्स रिलेट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप सबको पता है बेटे इंडिया के अंदर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है अनइक्वल है। ठीक है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, रिचर बिकम्स रिचर क्या हो रहे हैं, बिकम रिचेस्ट, अमीर और अमीर हो जाते हैं, और पुअरर बिकम्स पुअरेस्ट, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या शो करता है बच्चों, कि हमारे देश के अंदर अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब और गरीब हो जाते हैं। इसके कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो सोसाइटी में जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्शन दो लोगों के, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो रिच और एक क्या होता है पुअर। आप सबको पता है बेटे हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो क्या है, हाईली अनइक्वल है। यानी कि आप अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे बेटे, एक कॉन्सेप्ट आती है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे देश के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, धन का केंद्रीयकरण होता है। इट मींस हमारी नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ क्या है, बहुत थोड़े लोगों के पास है, हैंडफुल ऑफ द पीपल यानी कि मुट्ठी भर लोगों के पास है, और इनकम का बहुत छोटा सा हिस्सा बहुत सारे लोगों के पास है। तो बच्चों ये क्या शो करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हमारे देश के अंदर बच्चों, बेसिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। ओके, अब देखो बेटे आपको एक सर्कल पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा टेंथ में, इनकम अगर क्या है स्टूडेंट लो है, अगर इनकम स्टूडेंट क्या है यहाँ पर लो है, लो लेवल ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी सेविंग भी क्या रहेगी स्टूडेंट, कम रहेगी, लो सेविंग्स, लो सेविंग्स के बाद लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी स्टूडेंट क्या रही, लो रही, और साथ में इसका सबसे बड़ा जो वो रहेगा कि आपकी इनकम अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये किसके लिए है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट किसके लिए है, सिचुएशन क्या है, इनकम कम, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम, फिर दोबारा से इनकम क्या हो गई स्टूडेंट, कम हो गई। अब यहाँ पर रिचर सेक्शन के लिए हाई इनकम, ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, ओके, उसके कारण सेविंग भी क्या हो जाएंगी, हाई सेविंग यानी कि मोर सेविंग्स, व्हेन मोर सेविंग्स दे फर्दर मोर इन्वेस्टमेंट, अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वही प्रॉफिट ज्यादा, तो इनकम भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है,
कि बेटे अगर हम लोग दो बातें लेते हैं, अगर हम सोचते हैं सोसाइटी के ग्रोथ के बारे में, किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किसको ध्यान में रखकर करेंगे, रिचर सेक्शन को ध्यान में। और उस केस के अंदर बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे हम लोग, रिचर सेक्शन के लिए करेंगे। तो नो डाउट हमारा जो पीपीसी है एबी से शिफ्ट होकर कहां पर आ जाएगा स्टूडेंट, सीडी पर। कहां जाएगा, सीडी पर, जो क्या इंडिकेट करेगा, मोर सेविंग मोर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मोर इनकम। अब बात करते हैं पुअर सेक्शन के लिए, जहां पर हम लोग किसको वेटेज दे रहे हैं स्टूडेंट, सोशल इक्वालिटी। किसको वेटेज दे रहे हैं, सोशल इक्वालिटी। तो हम लोग कहां आ जाएंगे बच्चों, शिफ्ट होकर दोबारा ए और बी पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है बेटे, अगर हम ग्रोथ को प्रमोट करते हैं सोशल इक्वालिटी को इग्नोर करके, तो हमारा जो पीपीसी कर है ए बी से शिफ्ट होकर कहां चला जाता है स्टूडेंट, सी डी पर चला जाता है। तो बेटे ये जो प्रॉब्लम है ये किसके कारण है, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कारण। तो पीपीसी हम इंडिकेट कर देता है ना, बता देता है कि अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं पूरा सेक्शन के लिए तो हम कहां रहेंगे, एबी पर रहेंगे। अगर हम करते हैं सोशल इक्वालिटी को इग्नोर करते हैं, बेटे देखो हम सोशल इक्वालिटी को अगर इग्नोर करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है स्टूडेंट, वो ये पॉइंट आता है कि बेसिकली सोशल इक्वालिटी को इग्नोर करने के कारण इकोनॉमी के अंदर सोशल इनजस्टिस फैलता है, सामाजिक अन्याय फैलता है, सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति आती है। तो देखो बेटे पीपीसी हमारी तीनों तरह की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बैट कर पाता है। अब इसके साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स। हमारी जो पीपीसी की अजम्पशन थी उसके अंदर हम दो चीजें लेते थे कि टेक्नोलॉजी हमारी स्टूडेंट क्या रहेगी, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेक्नोलॉजी हमारी क्या रहेगी स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है ना। और रिसोर्सेज भी क्या रहेंगे, रिसोर्सेज आर गिवन एंड फुल्ली एंड एफिशिएंट, फुल्ली यूटिलाइज्ड, यही था स्टूडेंट। अगर हम पीपीसी को शिफ्ट करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो बेटे हमें टेक्नोलॉजी में और रिसोर्सेज में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम रिसोर्सेज को बेसिकली क्या करें, कि हम पीपीसी को शिफ्ट करना चाहते हैं, रोटेशन करना चाहते हैं, तो हमें या तो टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा और या फिर रिसोर्सेज में। चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब स्टूडेंट यहां पर है इम्प्रूवमेंट, क्या है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। तो देखो चेंज इन टेक्नोलॉजी में अगर मैं इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज करूं प्रोडक्ट ए के केस में, अगर मैं इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज करूं तो बी के केस में, और अगर मैं जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है वो दोनों प्रोडक्ट के लिए ही हो जाए तो क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही अगर मैं रिसोर्सेज दे दूं ए प्रोडक्ट को तो केवल किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ए का बढ़ेगा। अगर मैं रिसोर्सेज दे दूं बी को तो प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा, बी का बढ़ेगा। तो बेटे अब मैं आप लोगों को डायग्राम प्रेजेंटेशन के थ्रू ये चीजें बताना चाहूंगी। देखो बेटे फर्स्ट डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, देखिए ओ यहां पर अपनी मर्जी से स्टूडेंट आप कुछ भी ले लीजिए, वैसे हम लोग ए भी ले लेते हैं ना क्योंकि हमने तो ए और बी कॉन्सेप्ट ली है, गुड ए एंड सेकेंड इज गुड बी, ओके स्टूडेंट। अब देखिए बच्चों ये हमारा इनिशियल पीपीसी है, इनिशियल होता है बच्चे जो पहले गिवन है प्रारंभिक, इनिशियल क्या होता है प्रारंभिक, जिसमें आप कंपेयर करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि हम टेक्नोलॉजी ए को देंगे तो बेटा प्रोडक्शन विल इंक्रीज ओनली ए, ठीक है ना, प्रोडक्शन सिर्फ बी का तो उतना ही है, ठीक है ना, जो हमारा गुड ए है उसी का प्रोडक्शन बढ़ा, गुड बी का प्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट एज इट इज। जो सेकंड प्रेजेंटेशन है बच्चों उसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए इसके अंदर भी स्टूडेंट गुड ए एंड सेकंड है स्टूडेंट यहां पर ओ वाई पर हम लोग लिखते हैं बच्चों गुड बी, ठीक है बच्चों, वही दिस इज अवर इनिशियल कर्व, ओके। अब देखो बेटे यहां पर जब मैंने बेसिकली टेक्नोलॉजी किसको दी, गुड ए को, तो प्रोडक्शन केवल किसका बढ़ा बच्चों, गुड ए का। और अब मैं किसको दे रही हूं बच्चों, गुड बी को, तो देखो ए का तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, देखिए स्टूडेंट्स ए का प्रोडक्शन तो एज इट इज है, एक सेकंड इट्स अ मार्कर प्रॉब्लम, ओके। तो गुड ए का प्रोडक्शन तो एज इट इज है, प्रोडक्शन सिर्फ किसका बढ़ा स्टूडेंट गुड बी का, ठीक है बच्चों। जो थर्ड डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम दोनों ही केसेस के अंदर यहां पर हमारा गुड बी और ये आ गया स्टूडेंट्स गुड ए, ओके ओ वाई एक्स। देखो बेटे अगर हम दोनों ही टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट दोनों के लिए यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है
वो किसके लिए बढ़ जाएगा स्टूडेंट, दोनों ही वस्तुओं के लिए प्रोडक्शन क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं गिवन रिसोर्सिस की, कि रिसोर्सिस को हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ए को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन सोर्सेज का मतलब हम लोग इंक्रीज का ले रहे हैं, कि हम रिसोर्सिस को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो बेटे, वैसे तो दोनों बातें बनती हैं रिसोर्सिस की, आप रिसोर्सिस को इंक्रीज भी कर सकते हैं स्टूडेंट और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहां पर बेटे हम लोग दिखा रहे हैं बी कमोडिटी और यहां स्टूडेंट हम लोग दिखा रहे हैं ए कमोडिटी। तो बेटे ये हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है। अगर मैं रिसोर्सिस को बेसिकली चेंज करने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इंक्रीज करूंगी, देन पीपीसी वुड शिफ्ट टू द, देखो बेटे ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो पीपीसी यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शिफ्ट हो जाएगा, ए बी से कर क्या हो जाएगा ए बी वन। अब यहां पर बेसिकली एक तो इंक्रीज है, एक चेंज इन रिसोर्सिस में कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारी, डिक्रीज, क्या आ जाएगी डिक्रीज। अगर हम लोग क्या करें स्टूडेंट, बेसिकली रिसोर्सिस को क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज कर देंगे, तो उस केस में देखिए बच्चों क्या होगा, उस केस के अंदर स्टूडेंट ये हमारी गुड बी है, ये गुड ए, यहां पर बच्चों हमारा ए बी कर्व बना हुआ है। अगर बेटा हम लोग रिसोर्सिस को पहले से कम कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों ही वस्तुओं के केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर पीपीसी वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट, पीपीसी कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। यहां तक ये क्या शो कर रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, दिस शोज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, और ये क्या शो कर रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। ओके, अब देखिए बेटे एक बार एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको, जैसे देखो बेटे हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखो यहां पर मैंने प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ बच्चे किसका बढ़ाया, गुड ए का बढ़ाया, जब ए को टेक्नोलॉजी दी, बी को दी तो प्रोडक्शन सिर्फ किसका बढ़ाया, बी का, दोनों को दी तो दोनों का प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रिसोर्सिस के केस में बच्चों मैंने दोनों बातें ली, अगर मैं रिसोर्सिस को इंक्रीज करूंगी तो प्रोडक्शन विल इंक्रीज बोथ द कमोडिटी, देन पीपीसी वुड शिफ्ट टू द राइट साइड। ओके, अगर मैं रिसोर्सिस को बच्चों क्या करूंगी, रिड्यूस करूंगी, तो पीपीसी कहां शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट, लेफ्ट साइड। ठीक है बच्चों, आज हमारा पीपीसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर बेटे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड टॉपिक रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटे पीपीसी का तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, हो सकता है मे बी आपकी बुक में गिवन नहीं है, बट इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर नॉलेज। ओके, तो मैंने आपको ये टॉपिक कराया, आप इसको अपने अपनी बुक्स के अंदर, अपने अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट कर लीजिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटे आपका सेकेंड चैप्टर का सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, स्टूडेंट्स फोकस कीजिए बच्चों, ये आपके बेनिफिट के लिए है, आप जितने अच्छे तरीके से समझोगे उतना ही आपको क्या होगा, फर्दर इसका बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।